कोई चिंता की बात नहीं, जो डूबना है प्रदेश को तो डूबेगा। मतलब 10 वर्ष में चाहे मेरा सरकार रही हो चाहे आपकी रही हो, किसी मैं स्वयं शिक्षा मंत्री हूँ अपराधी होऊंगा कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आप कम से कम इन 10 सालों से इन जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है इनकी जितनी परीक्षाएं हुई है उनके परीक्षा के रिजल्ट के साथ आप एकेडमी टीम लगा करके इनका पोस्टमार्टम करो, तब आपको समझ में आ जाए कि ये बीमारी कहाँ से चली है। ये बीमारी इन व्यवसायियों के थ्रू चली है। मैं और आप पेपर आउट करेंगे, पेपर लाऊंगा 5 लाख दे दूंगा, 8 लाख दे दूंगा, मैं क्या 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ दे सकता हूं क्या भैया? ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा जो बड़ी मुश्किल से पड़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पड़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता ये? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना, जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पड़ता है, भूखा प्यासा पड़ता है, घर बेच करके पड़ता है, खेत बेच करके पड़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया, इस कानून से कुछ भी नहीं होगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ ये जो आपने नए प्रावधान जोड़े हैं, मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं, मुझे बहुत दुख है इस बात का। क्या होगा ये? किस तरह की गेंग पाल ली हमने? पानी पिला दो ना। मुझे ये, मैं उस दिन भी पूछा था कि मैंने कहा ये शिक्षा संकुल पे है, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया, इसको लगाने वाला दोषी कौन है जिसके कारण से पेपर जो है ना काट करके निकाल दिया? ये तो ठीक है, भाग्य हमारा अच्छा था कि सवाई माधोपुर की घटना खुट गई और SOG को उसमें हाथ में लग करके कुछ केस लग गया। अगर वो केस नहीं लगता तो आज आपकी सारी नौकरी पर इन सब बड़े बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते और मेरा गरीब का बच्चा अपना घर लौट के जाता। क्या दुर्भाग्य है। और इस कारण से केवल इसके लिए खुश हो मत हो जाओ कि हमने कानून बहुत सख्त बना दिया इसलिए अपराधी रुक जाएगा, नहीं, सिस्टम को बदलना होगा, ये परीक्षा का सिस्टम चेंज करना होगा। मैं सोचता हूँ कि क्या हम इतने अक्लमंद बैठे हैं, क्या इस व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकते? क्या एक ही पेपर हर राजस्थान में 20 लाख बच्चों को दिया जाए, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता? इसका ऑल्टरनेट सोचना चाहिए कि हम परीक्षा को टुकड़े टुकड़ों में कैसे कर सकते हैं, जिले के अनुसार पेपर नहीं, एक नहीं हम 25 पेपर बना सकते हैं, कौन से सेंटर पर कौन सा पेपर जाएगा कोई तय नहीं करेगा कौन सा जाएगा, और हम जो इच्छा होगी उस सेंटर पर पेपर भेजेंगे। और ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजों में आपने सेंटर बना रखे उनको बंद करो, इनको तुरंत बंद करिए एक ऑर्डर से। जितने भी सरकारी विद्यालय है और सरकारी नौकर ही एग्जामिनर बनेगा और एग्जामिनेशन करेगा तब तो आप इसको बचा पाओगे। ताकि आप और मैं कितने भी कानून में बदल कर दें, आपका वो जांच करेगा, आपका वो अधिकारी आएगा, आपने कहा भाई सेशन जज के नीचे नियुक्ति नहीं होगी, इसके अलग से कोर्ट होगा, बहुत अच्छी बात है। प्रोविजन जो आपने डाले हैं वो स्वागत योग्य, स्वागत करता हूँ, पर इन प्रोविजन को लागू तो आप और मैं ही करूँगा, कौन करेगा? जब हम ही ठीक नहीं है तो इन प्रोविजन क्या रोएंगे अंदर बैठे बैठे? जब तक हमारा दिल और दिमाग ठीक नहीं होगा ना, इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। हमने शिक्षा के मंदिर को भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर दिया, दुर्भाग्य हमारा।
जहां से कोई आशा की किरण दिखती थी उस गरीब को कि चलो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अब वो निराशा में आ गया। उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। और इस कारण से मैं सोचता हूं कि आप जिस भावना से लाया, मैं आपकी भावना की इज्जत करता हूं, लेकिन केवल आपकी भावना इन बेईमानों को नहीं रोक सकेगी। इसको रोकने के लिए हमको सिस्टम को बदल करके और तुरंत उस पर ध्यान करना चाहिए। कानून 302 का बना हुआ है, क्या मर्डर रुक गए? आप भी जान रहे हो, रोज के रोज पॉक्सो कोर्ट में आजीवन कारावास हो रहा है, क्या व्यभिचार रुक गया है? अपराधी को दंड मिल सकता है, अपराध बंद नहीं हो सकता है। अपराध बंद करने के लिए जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम में चलो। एकमात्र इस देश में भ्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा था, केवल और केवल एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवाकर देश के प्रधानमंत्री में सारा का सारा बेनिफिट उसका सीधा खाते में डाला। बेईमानों को चोट लगी नहीं लगी, उस तरफ अपना दिमाग बचाओ, उस तरफ अपना दिमाग लगाओ। किस बीमारी का इलाज कहाँ है और कैसे हो, इस बारे में चिंता करने की कोशिश करो। मैं कई बार इधर सीकर और इधर गया तो मैं सोचता हूँ कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग देंगे ना तो टोपी गिर जाए नीचे से। क्या चीज़ है यार, भगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसाई है? और जो बाकी संस्थाएं, उसका कारण यह है कि हमने अपनी दुकान को इतनी कमजोर कर दी है कि जहाँ बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा लेकर के हम जैसे गरीब पढ़ करके यहाँ आ गए, अब वो रास्ते नहीं है। और इस कारण से मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, इस बीमारी का इलाज चाहिए बच्चे को, कानून से नहीं होगा, कानून के अलावा होगा, और उसमें आप करें। धन्यवाद। थैंक यू।